नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल तिवारी ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सपने में जामुन देखने का क्या मतलब होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जामुन किसे कहते हैं। जामुन खाने में बहुत मीठा होता है और वह काला व लाल रंग का होता है। तो अगर आप सपने में जामुन को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने में जामुन देखने का मतलब, जाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे लाल कलर के बटन को क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सदस्यता ले लें तथा घंटी को दबाना ना भूलें और हमारी पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप हमारी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सपनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपनों को चार भागों में बांटा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि सपनों को चार भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। पहला, 12 से 3 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल एक साल में प्राप्त होता है। दूसरा, 3 से 5 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 6 महीने में प्राप्त होता है। तीसरा, 5 से 6 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 1 महीने में प्राप्त होता है। चौथा, सूर्य उदय के बाद देखे जाने वाले सपनों का फल 1 सप्ताह में प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं कि सपने में जामुन देखने का क्या मतलब होता है। तो स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने में जामुन देखना ना तो यह एक शुभ सपना है और ना ही अशुभ सपना है, क्योंकि दोस्तों सपने में जामुन देखना इस बात का संकेत करता है कि आप यात्रा पर जा सकते हैं, पर यह यात्रा सुखद है कि दुखद है यह नहीं पता। यह आप ही जानते होंगे कि आप किस तरीके की यात्रा पर जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे सपने बार बार देखते हैं, अगर यह सपना शुभ सपना है आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे शुभ सपनों के बारे में बिल्कुल ना बताएं। लेकिन अगर यह यात्रा अशुभ है यानी दुखद है तो आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे सपनों के बारे में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।